बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं टी एस फूडीज़। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ ये है बीफ के टिक्के। आप ये देखें, ऐसे मैंने क्यूब बना लिए। सबसे पहले इसको मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर का, 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डालेंगे वाइट ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ। अब इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून भर के। अब इसके बाद डालेंगे टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे इसके अंदर। अब इसके बाद डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया इसके अंदर। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे 2 मेरे पास लेमन है, इसका अच्छी तरह जूस निकाल लेंगे, वाइट विनीगर 2 से 3 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाए। अब देखिए अच्छी तरह मैरिनेट हो गया है। अब इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब इसके बाद टिक्के बनाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह कूट लेंगे। डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे दही। चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर डालेंगे नमक, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मैंने अंगीठी गर्म कर ली है। अब इसे सीखों पे परोएंगे। देखिए सीखों पे लग गई है। अब इसे अंगीठी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब देखिए टिक्के तैयार हो गए। अब सीखों पे उतारने लगे गरम गरम। अब देखिए टिक्के अच्छी तरह तैयार हो गए। आप भी अपने घर में इसे ट्राई करें, मुझे फीडबैक दें कैसे बने। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।